अब यहाँ पे इन्होंने क्या शो किया, पीछे सारी एफेक्टेशन खवातीन की, जो एक उनका एटीट्यूड है कि नॉर्मली जो है उनके अंदर लंपोनिंग बहुत ज्यादा होती है, तंस बहुत ज्यादा होता है और नॉर्मली देखा भी जाता है, ठीक है, खवातीन में वैसे ये चीजें ज्यादा होती हैं, और उनके अंदर हसासियत ज्यादा होती है, उनके अंदर अदा ज्यादा होती है, एफेक्टेशन ज्यादा होती है, ये सारी चीजें दिखाई हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी दिखाया है यहाँ पे, ये जो बात कह रहे हैं ना कि हर्मिट्स ड्रीम एंड देन एलिजियन सीन। हर्मिट्स ड्रीम क्या है? इंसान के वहम है, खवातीन का जो वहम है बैक ऑफ द माइंड उनके चल रहा होता है कि ऐसे हो गया या वैसे हो गया। नॉर्मली खवातीन के अंदर ये रहता है कि स्पेशली वो पुरानी एक दास्तान होती है, वो हमेशा ही शुरू हो जाती है। और उसके साथ एलिजियन सीन्स बेसिकली क्या है, उनके दिमाग में, उनका एक ही दिमाग है, एक तरफ उसमें एलिजियन सीन्स चल रहे हैं, एक तरफ उसमें हर्मिट्स ड्रीम चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस पूरे पैराग्राफ के अंदर उसने दो चीजों को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है, दो इमेजिनेटिव वर्ल्ड हैं, दो तरह के गुमान है। एक तरफ जो है हम डिजायर कर रहे हैं एक हेवनली वर्ल्ड की, और दूसरी तरफ जो है हमें फिट्स पड़ रहे हैं, हमें हर्मिट्स ड्रीम आ रहे हैं, हमें डरावने ख्वाब आ रहे हैं, हमारे डरावने से गुमान है, और हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रह रहे हैं जो खौफ से भरी हुई है, जो कि फ्यूचर के शायद खौफ से भरी हुई है या फिर वो गम से भरी हुई है। दैट इज बेसिकली दैट थिंग। और ये वो चीजें हैं जो हमें बीमार करती हैं, ये वो सोचे हैं जो हमें बीमार करती हैं। तो वो ये बता रहा है कि खवातीन के अंदर जो है ये चीजें इतनी आम हैं। और फिर नाउ लेक्स ऑफ लिक्विड गोल्ड बेसिकली क्या है, दीज आर द डिजायर्स ऑफ द वीमेन, ठीक है। नाउ लेक्स ऑफ लिक्विड गोल्ड एलिजियन सीन्स, यानी कि ये सारी डिजायर्स हैं जो खवातीन के अंदर है। एंड क्रिस्टल डॉम्स, और वो क्या किस चीज को सोचती है, क्रिस्टल डॉम्स को जो है वो उनकी एस्पिरेंट है, और एंजल्स एंड मशीन, ठीक है, यानी कि जो जो वो हुक्म करें वो चीज हाजिर हो जाए। बेसिकली वो ऐसी वर्ल्ड की तमन्ना करती हैं जो कि उनको इस दुनिया के अंदर नहीं मिलती, ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से यहाँ पे दो तरह की जिंदगियों को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया है। अच्छा, अब crowds are seen standing on every side of the border, all bodies change to various forms by screen, or their bodies have been distorted into various form of borders of screen. Here living people stand one arm held out. कुछ जो खवातीन है वो कुछ इस तरीके से खड़ी है, मतलब इस एक्शन में खड़ी है या इस उसमें affectation manner में खड़ी हुई है, जैसे कोई teapot stand होता है, ठीक है। हमारे अक्सर खवातीन होती हैं, आपने तस्वीरों में देखा होगा आजकल वो ये टीपॉट स्टैंड वाला पिक्स में बड़ा कॉमन हुआ हुआ है, पोज है ना, एक हाथ जो है हम ये कमर के ऊपर रखते हैं, दूसरा सीधा होता है, वो ऐसे ही लग रहा होता है खातून नहीं है, कोई टीपॉट खड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एंड पम्प वन आर्म हेल्ड आउट, उसके बाद है वन बेंड द हैंडल दिस एंड दिस दैट द स्पाउट, और एक बेंड हुआ होता है हैंडल दिस और दूसरा जो है वो स्पाउट हुआ होता है। अब पंपकिन देयर लाइक हमस रिपोर्ट वॉक, और वहां पे एक पंपकिन होता है जैसे कोई हमस का ट्रिपॉट, यानी कि थ्री लेग टेबल्स जो है वो या स्टूल जो है वो वॉक कर रहा हो, यानी कि अक्सर औरतें होती है उनकी टांग में दर्द होता है तो वो लंगड़ा के चलती है, ये उनके ऊपर सटायर है। Here साये a jar, there a goose by dog. यहाँ पे जो एक जार है वो भी साये कर रहा है, वो भी आने भर रहा है, और goose by dog, यानी कि ये जो goose by dog का मतलब है water bird may bake in peace to make some sort of cake, ठीक है। तो goose by dog यानी कि वो अजीब अजीब सी बातें चल रही है, men prove with child as powerful fancy work, but there are also men fantastic लेबरिंग अंडर द ऑब्सेशन, ठीक है, वो बिल्कुल बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, एज पावरफुल फैंसी वर्क, जैसे वो कोई जो है बिल्कुल ऐसे जैसे कोई प्रेग्नेंट खातून होती है, मेड टर्न बॉटल्स कॉल अलाउड फॉर टॉप्स, और वो जो मेड्स जो है उन्होंने अपने आप को मतलब एक अपने आप को ऐसे इमेजिन कर लिया है, मतलब दोज मेड्स या दोज वर्जन हु इमेजिन देमसेल्फ्स टू बी ओपन बॉटल्स और फिर क्या किया उन्होंने मेड्स टर्न बॉटल कॉल अलाउड फॉर टॉप्स, जो कि स्टॉपर्स को कॉल कर रही है कि यार
प्रायपिटियसली फर्स्ट ऑफर टू क्लोज देयर ऑर्डिफाइज, यानी कि वो अपना कॉल कर रही है कि इतनी इतना वो प्रेग्नेंट खवातीन है और वो इतना ज्यादा बोल रही है कि शायद एक कॉर्ड चाहिए उनका मुंह बंद करने के लिए, यानी कि उनकी आहें और सिसकियां इतनी ज्यादा है। से पास द नोम थ्रू दिस फैंटास्टिक लेन। अब ये जो अम्ब्रियल है, ये जो नोम है, अम्ब्रियल क्या था ना, उसी को नोम कहा जाता है, वो जो डार्क कलर का एक स्पिरिट था। अब वो यहाँ पे जाता है थ्रू द फैंटास्टिक बैंड, उस फैंटास्टिक बैंड के अंदर से, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स था ना, जो अभी पीछे बताया गया टीपॉट और स्टूल जो है थ्री लेग, तो वो थ्रू दिस फैंटास्टिक बैंड जो है वो अंदर जाता है। अब ब्रांच ऑफ फीलिंग्स बीइंग व्हाट इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक ब्रांच ऑफ हीलिंग स्प्लीन वॉट है इन हिज हैंड, ठीक है। और मतलब देन दस एड्रेस द पावर हेल वेवर्ड क्वीन, और फिर वो उस पावरफुल क्वीन को कहता है कि हे वेवर्ड क्वीन, ओ क्वीन ऑफ स्प्लीन हु रूल द सेक्स टू 50 फ्रॉम 15, जो के 15 इयर्स की खातून से लेके 50 इयर्स की खातून के ऊपर रूल कर रही है, पेरेंट ऑफ वेपर्स। वेपर्स कहते हैं मिलनकली को, यानी कि हर वक्त पेरेंट की, यानी कि तुम जो हो मिलनकली की पेरेंट हो। एंड ऑफ फीमेल विट, विट कहते हैं स्मार्टनेस को, तुम फीमेल स्मार्टनेस की जो खातून पेरेंट हो, यानी कि तुम ही ने ये स्मार्टनेस को फीमेल के और फीमेल की मिलनकली की को तुमने जन्म दिया है। हु गिव द हिस्टेरिक और पोएटिक फेस, तुम ही हो जिसने हिस्टेरिक और पोएटिक फेस। फिट कहते हैं क्रेज फॉर पोएट्री राइटिंग, यानी कि नाउ राइट डाउन इन हैशटैग, ठीक है, तुम ही ने इस खातून को हिस्टेरिक और पोएटिक फिट दिए हैं। ऑन वेरियस टेंपर्स एक्ट बाय वेरियस वेज, के वो डिफरेंट टेंपर्स में डिफरेंट वेज में एक्ट करती है। मेक सम टेक फिजिक साइकिक सॉरी, और कुछ को तो मेक सम टेक साइकिक, किसी को तो मेडिसिन पे लगा देती है, कोई साइको हो जाती है। एंड अदर स्क्राइब्स अदर स्क्रिप्टेड प्लेज, और कुछ जो है वो ड्रामे वगैरह बहुत ज्यादा देखना शुरू कर देती है। ऐसे ही होता ना खवातीन जब बहुत ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है अल्टीमेटली, या तो वो प्लेस कुछ लड़कियां नॉवेल्स बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर देती है फ्रस्ट्रेशन में, कुछ ड्रामे बहुत ज्यादा देखना शुरू कर देती है, कुछ स्टारडस्ट के ड्रामे बहुत ज्यादा देखना शुरू कर देती है। तो बेसिकली वो यही बता रहा है कि वो बेसिकली जब उनके ऊपर एक साइकिक टेम्परामेंट आता है तो वो ड्रामों की तरफ लग जाती है। वो कॉज द प्राउड देयर विजिट टू डिले, और वो इतनी प्राउड होती हैं कि वो अपने साथ वाला जो नेबर होता है उसके घर भी विजिट करने नहीं जाती, जबकि उनका नेबर जो है वो बीमार होता है। एंड सेंड द बॉडी इन अ पेट टू प्रे, और वो जो है इन अ फिट ऑफ स्प्लेंडिड टेंपर में वो कभी भी मतलब चली जाती है। अ निम्फ देयर इज दैट ऑल थाय पावर डिस्प्ले, एक वहां पे एक निम्फ भी है जिसने तुम्हारी तमाम पावर्स को डिस्प्लेन कर दिया, यानी कि बेलिंडा को वो कह रहे हैं कि वहां पे दुनिया में एक ऐसी निम्फ है जिसमें तुम्हारी अभी तक कोई पावर नहीं चली, तुम तो 15 साल की खातून से लेके 50 साल की खातून पे तुमने इतना राज किया है, उसको तुमने ये सारी बीमारियां लगा दी हैं, लेकिन एक दुनिया में एक ऐसी निम्फ है जिसका नाम बेलिंडा है और उस पे अभी तक तुम्हारी कोई ताकत कोई जोर नहीं चला। 10,000 मोर इन इक्वल मेंट मेंटेन, और जो है जो 1000 अदर इन कॉन्फ्रेंस, मतलब अब वहां पे कुछ ऐसी और भी खवातीन है जो अभी तक खुश है, यानी कि वो गॉडेस ऑफ स्लीन को कह रहा है, वो जो रियल है स्पिरिट है, कि भाई दुनिया में अभी 50 कई थाउजेंड और भी खवातीन है जो अभी तक खुश है, तुम्हारा बात उनके ऊपर नहीं चला ना कि बेलिंडा के ऊपर चला। यानी कि वो कहता है कि वो डिप्रेसिंग मूड अब बेलिंडा के ऊपर भी ला के दिखाओ, और वो डिप्रेसिंग मूड वहां पे वो जो थाउजेंड और खवातीन इतनी खुश रह रही हैं मेरी और आपकी तरह, उनके ऊपर भी अपना वार चला के दिखाओ तो फिर तो मैं माने, ठीक है। वो बेसिकली गॉडेस ऑफ स्प्लीन की ताकत को जो है चैलेंज कर रहा है, ठीक है। इधर तक अगर कोई बिट ऑफ पॉइंट हो जो ना समझ आया हो। चैलेंज किया जाता है ये जनाब अब इस तरह का कुछ करके दिखाओ, जब उसको ये कहा जाता है कि जी इतने सारे अननंबर्ड थ्रॉन्ग्स ऑन एवरी साइड आर सीन ऑफ बॉडी चेंज ऑफ वेरियस फॉर्म्स बाय स्पीच, ठीक है, अननंबर्ड थ्रॉन्ग्स हैं जो हर साइड पे देखे गए हैं, और क्या है
और ये जो है चेंज ऑफ बॉडी किस वजह से हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरियस फॉर्म्स बाय स्प्लीन. ठीक है, ये वेरियस फॉर्म्स बाय स्प्लीन है जिसकी वजह से 529 से स्टार्ट करो. On various tempers, x by various phase. Okay. तो वो यहाँ पे एक्चुअली बताया ये जा रहा है कि हमारे ऊपर ये जो जितने इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आती है ना, ये बेसिकली के वो स्प्लीन या स्प्लीन की वजह से आती है. ये वो एंजाइम है जो हमारे बेसिकली के वो स्प्लीन इज रिप्रेजेंटिंग द मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटिंग द एनजाइटीज द फ्रस्ट्रेशन द नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव गुमान. ये सारी हमारी आहें, हमारी सिस्कियां, ये क्या हैं? ये स्प्लीन मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं. हियर लिविंग टीपॉट स्टैंड ऑन आवर वन बेंट द हैंडल दिस एंड अदर दैट स्प्राउट अप पिपकिन देयर लाइक होमर्स ट्राइपॉड वॉक. ये मैंने आपको बताया कि खवातीन के स्टाइल्स के ऊपर बहुत ज्यादा सटायर होता है कि इनके इतने स्टाइलिस्टिक एटीट्यूड होते हैं, इस तरह खड़ी होती हैं जैसे कि कोई टीपॉट खड़ा होता है. द हैंड दिस एंड दैट द स्प्राउट, जैसे एक तरफ एक हाथ जो है उनकी कमर के ऊपर होता है और वो कमर के ऊपर हाथ रख के लचका के चल रही होती है. एंड दैट द स्पाउट अ पंपकिन देयर एंड लाइक होमस ट्राइपॉड वॉक, और ऐसे जैसे कोई पंपकिन वहां पे और वो होमस ट्राइपॉड की तरह वॉक, यानी कि दैट इज बेसिकली उनकी स्टाइलिश वॉक है, उनकी कैटवॉक है जिसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा सटायर हो रहा है. वो कह रहे हैं एक तरफ तो जब वो बॉडीज में एंटर होती है तो बड़े स्टाइलिश वे में एंटर होती है, और जब वो घर पे होती हैं तो उनकी आहें और सिसकियां और काम करने के वक्त जो है वो उनकी आसमानों पे होती है. जैसे देखें यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा सटायर हो रहा है खवातीन के ऊपर कि जब हम बाहर होते हैं यानी कि दुनिया के सामने होते हैं तो हम बड़ा स्टाइलिश वे में बात करते हैं, हमें लिस्पिन भी आती है, हमें हर चीज आती है, बट जब हम घर होते हैं हमारे मूड्स ही डिफरेंट होते हैं. तो दैट इज बेसिकली हेयर साया जार एंड देयर अ गूस बाय टॉक. यहाँ पे क्या है, एक जार के अंदर जो है साइज हैं, सिसकियां हैं और गूस पाए डॉग्स हैं, यानी कि वहां पे हर वक्त गीबतें हैं. मेन प्रूव विद चाइल्ड एज पावरफुल फैंसी वर्क, और मेन जो है यहाँ पे क्यों क्या शो करते हैं, मेन प्रूव विद अ चाइल्ड और यहाँ पे बेटा ये जो Toasted in a pie and talk under the obsession, there are men also fantastically laboring under the obsession. ठीक है, men भी इसी तरीके से fancy work, यानी कि वो भी इसी stylish way में इस affectation की दुनिया में वो रहते हैं. And maid turned bottle call aloud for cock. और यहाँ पे there are virgins who imagine themselves to be open bottles and cry piteously for stopper to close their office. मतलब वो इस तरह से हैं जैसे ओपन बॉटल की तरह कि अगर उनका ढक्कन खोला तो वो रो पड़ेंगी. ठीक है, सेव पास द नोम थ्रू दिस फैंटास्टिक बैंड अ ब्रांच ऑफ हीलिंग स्प्लीन वर्ड वर्ड इन हिज हैंड. ये तो खैर हो गया था लाइन नंबर 525. ऑन वेरियस टेंपर्स एक्ट बाय वेरियस वेज. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि पेरेंट्स ऑफ वेपर्स एंड ऑफ फीमेल विट. अब यहाँ पे वो किस चीज की बात कर रहा है, वो कह रहा है सेव पास द नॉम थ्रू इज फैंटास्टिक. अब वो इन तमाम थ्रू दिस फैंटास्टिक बैंड, ये जो पीछे हमें इतना जबरदस्त फैंटास्टिक बैंड नजर आया है, इतने सारे लोग नजर आए हैं, इनके थ्रू जो है वो नॉम जो है वो जो एक स्पिरिट होता है वो गुजरता है. द ब्रांच ऑफ हीलिंग स्प्लीन वर्ड इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या है, एक हीलिंग स्प्लीन वर्ड है. एक हीलिंग क्या है, स्प्लीन वॉर्ड बेसिकली उसके एक ब्रांच ऑफ प्लांट कॉल्ड स्प्लीन वॉर्ड जो कि उसके हाथ में, विच हैज द पावर टू कीप ऑफ द इवल इन्फ्लुएंसेस ऑफ स्प्लीन. यानी कि उसके हाथ में वो स्प्लीन वॉर्ड, आप अपनी बुक में देखें कैपिटल लेटर्स में लिखा है और इटैलिक्स में लिखा हुआ है. वो बेसिकली एक ग्रीक मिथ को शो कर रहा है कि मतलब स्प्लीन वॉर्ड जो है वो एक ऐसा प्लांट है कि अगर वो हम उसकी उसको हाथ में पकड़ लें तो वो जो स्प्लीन के जो इवल इन्फ्लुएंसेस हैं स्प्लीन के वो हम तक नहीं पहुंच सकते. देन दस एड्रेस द पार्ट, फिर वो किससे बात करता है, क्वीन ऑफ केव ऑफ स्प्लीन से बात करता है. देन दस एड्रेस द पार्ट, अब वो बात करता है हेल वेवर्ड क्वीन, क्वीन ऑफ स्प्लीन से वो बात करता है. ही अप्रोचेस द थ्रोन ऑफ द गॉडेस ऑफ स्प्लीन एंड स्पोक अस टू हर who rule the sex to 50 from 15. I greet you, O the queen of ill humor,
who rule over the swooning temper of the female sex from age of 15 to 50. वो कहता है कि मैं उस खातून से, उस queen of spleen से बात कर रहा हूँ जो कि एक औरत को control करती है, rule कर रही है उसके ऊपर to 50 from 15. ठीक है, वो 50 से 15 साल की लड़की को जो है, खातून को जो है वो रूल कर रही है. पेरेंट्स ऑफ वेपर्स एंड ऑफ फीमेल विट, और वो फ्रॉम यू आर बॉर्न मेलेंकली एंड डिप्रेशन. ठीक है, पेरेंट्स ऑफ वेपर हर वक्त रोना धोना, मेलेंकलिक पोजीशन में रहना. एंड ऑफ फीमेल विट एक्चुअली उसके डिप्रेशन को कहा जा रहा है. और नॉर्मली आप देखिए बड़ा कॉमन हो गया है इस वक्त, माइग्रेन, एनजाइटीज, बीपी हाई हो जाना, सर में दर्द हो जाना, ये क्यों होता है? बेसिकली वो इन्हीं सारी चीजों की वजह से होता है. हु गिवेथ द हिस्टेरिक एंड पोएटिक फिट, और जो के गिव राइज टू ऑल काइंड्स ऑफ विम्स एंड फैंसीज इन फीमेल्स माइंड. ये वो चीजें हैं जो कि हिस्टेरिक फिट में ले जाती है या पोएटिक फिट में एक इंसान को ले जाती है, एक औरत, ऑन वेरियस टेम्पर्स एक्ट बाय वेरियस वेज. ये जो है वो कहते हैं यू कॉज वीमेन टू सफर फ्रॉम हिस्टेरिक फिट्स and you also cause them to have poetic fits when they scribble verses. ठीक है, वो जो है बताता है कि भाई ये जो है तुमने ये इतने various tempers हैं जो कि उसके अंदर पैदा किए हैं by various ways, different तरीकों से. ठीक है, ये different temperaments हैं, different ways and means जो कि तुमने उसके अंदर पैदा कर दिए हैं. अच्छा जी, make some take physic, other scribble plays. और फिर वो कहते हैं you make some women used to taking drugs in other to subdue their splenetic diseases. ठीक है, और तुमने ही आदत डाली है एक औरत को कि वो कुछ फिजिक यानी कि नींद की गोलियां खाती हैं, लेती हैं खातिन, पेन किलर्स खाती हैं, अदर स्क्रिबल प्लेस. ठीक है, कुछ जो है वो क्या करना शुरू कर देती हैं, गेम्स में पड़ जाती हैं, स्प्लेनेट या स्प्लेंटिक टेम्पर में पड़ जाती हैं. तुमने जो है ना इन खवातीन को एक्चुअली अदर्स टू इंस्पायर टू राइट प्लेस टू फाइंड सम रिलीफ, के वो जो है स्क्रिबल प्लेस लिखना शुरू कर देती हैं, कहानियां लिखना शुरू करती हैं. बास खवातीन दुखी शायरी लिखना शुरू कर देती हैं. कॉज द प्राउड दिस देयर विजिट टू डिले, और इट इज यू, मतलब ये तुम ही हो जिसने विजिट टू डिले, तुमने उनको इतना प्राउड बना दिया वीमेन को डेलिबरेटली, मेक डिले इन कीपिंग देयर अपॉइंटमेंट. ठीक है, कि वो जानबूझ के अपनी अपॉइंटमेंट डिले करती है विजिट टू देयर नेबर्स, कि वो विजिट करती है अपने नेबर्स की तरफ. एंड सेंड द गॉडली इन पेट टू प्रे, पेट बेसिकली इन अ फिट ऑफ स्प्लेनेटिक टेम्पर. ठीक है, यहाँ पे पेट टू प्रे एंड सेंड द गॉडली इन अ पेट टू प्रे, और वो कहते हैं कि तुम जो हो एक्चुअली You send the pious devoted person to the church to pray in their fit of splenetic temper. कि वो जो है अगर pray भी करता है तो वो किस तरह से एक disappointment के तौर पे जो है वो वहां पे pray करने जाता है. मतलब तुमने जो है औरत को मजबूर किया है कि वो इस तरह से करती है. A nymph's tale is that all thy power disdain. तो वो कहता है कि वहां पे दुनिया में भी एक ऐसी, क्योंकि अभी कहाँ पे है ये अंडरवर्ल्ड चला गया, कौन? नोम. और नोम क्या है? वो एक सुपर नेचुरल मशीनरी है. दीज बोथ आर द ट्रेट्स ऑफ मोक एपिक. एपिक, ठीक है, उस एपिक को उसने मोक एपिक में कन्वर्ट किया पॉप ने. अब यहाँ पे वो कहता है निम्फ्स देयर इज दैट ऑल दाय पावर डिसडेन. एक वहां पे एक निम्फ है यानी कि बेलिंडा है जो कि तुम्हारी इन तमाम पावर्स को डिसडेन करती है, और वो जो है उसके अंदर तुम्हारी ये तमाम डिफाई करती है दाय अथॉरिटी एंड पावर एंड थाउजेंड मोर इन इक्वल मिथ्मा. और शी इज नॉट ओनली द चीयरफुल हरसेल्फ बट कीप थाउजेंड अदर इन कॉन्स्टेंटली चीयरफुल स्टेट ऑफ माइंड. वो कहती है, वो कहता है उसको जो नोम है के वो इनको देखो एक बलिंडा है, एक निम्फ है जो कि तुम्हारी इन तमाम पावर्स को डिसडेन करती है. रीजन एंड थाउजेंड मोर इन इक्वल मिथ मेंटेन, क्योंकि अभी तक वो खुश है. ठीक है, अभी तक वो अपनी दुनिया में मस्त है. वो उसके कहने का मतलब है वो अभी तक रोई क्यों नहीं, वो अभी तक उसने गुस्सा क्यों नहीं किया, वो चीखी क्यों नहीं, उसने आहें क्यों नहीं भरी. तो उसने तो तुम्हारी सारी पार्ट्स को डिसडेन कर दिया. तो एक्चुअली ये जो है ना वो खाला अम्मा खवातीन होती है ना, वो कोई इंसान थोड़ा सा सब्र कर जाए तो हम उसको फिर जाके कहते हैं वो तुमने उसको चार सुनाई क्यों नहीं, अच्छा उसने तुम्हें ये कह दिया. ओहो, तो हम जब किसी को अपने घर की कोई बात बताते ना, अगला बंदा ये कहना कि देखो तुम सब्र करो या उसको पॉजिटिव वे में सोचो या हो सकता है कोई और बात हो, तो हम क्या कहते हैं ओह अच्छा
उसने यूं कर दिया, तुमने उसको चार सुनाई क्यों नहीं। तो बेसिकली वो उसको यही कह रहा है कि देखो वो उसने तो भाई तुम्हारी सारी पास डिस्टेन कर दी, वो तो अभी तक रोई नहीं, उसने तो अभी चीखी नहीं, वो चिल्लाई नहीं, उसने तो बद दुआएं नहीं की। तो बेसिकली ये सारी वो चीजें दिखाई जा रही है। बट ओ इफ एवर दे नो दाई नोम कुछ स्पॉइलर ग्रेस, वो कहता है बट ओ यहाँ पे ये जो अम्ब्रेल है ना, ये बेसिकली जिसको नोम कह रहे हैं हम, इसका नाम अम्ब्रेल है ना, ये ट्रबल मेकर है, ठीक है, वही जैसे मैंने कहा ना खाला अम्मा है, ठीक। बट ओ इफ एवर दाई नोम कुड स्पॉइल अ ग्रेस, बट आई प्रे पीटियसली टू यू ओ गॉडेस दैट इफ इवन आई दाई नोम हैड सक्सीडेड इन स्पॉइलिंग द ग्रेस ऑफ अ यंग फेस और राइज अ पिंपल ऑन द ब्यूटियस फेस। वो कह रहा है अगर मैं जो कि तुम्हारा नोम हो, जो कि तुमको फॉलो करता हूँ, कुछ स्पॉइल अ ग्रेस के ऐसा ना हो कि मतलब मैं सक्सीड हुआ कि मैंने स्पॉइल कर दिया ग्रेस ऑफ अ यंग फेस, और फिर क्या, या उसके रेस कर दिया उसके ब्यूटियस फेस पे एक पिंपल, चार्मिंग फेस के ऊपर पिंपल, ताकि टू मार इट्स ब्यूटी, ताकि वो औरत जो है वो परेशान हो जाए, ठीक है, बेसिकली वो परेशान ही करना चाह रहा, और रेस अ पिंपल ऑन ब्यूटियस फेस लाइक सिट्रोन वाटर्स मैटरन चीक इन फ्लेम, जैसे सिट्रोन वाटर्स, जैसे कि इफ एवर आई हैव रेडेंड द चीक ऑफ लेडीज, सिट्रोन वाटर्स बेसिकली यहाँ पे लेमन मिल्क वाटर विच मेक द फेस रेडिश, ठीक है, लेमन मिक्स्ड वाटर जो कि फेस को रेडिश कर देता। तो वो कहता है कि जैसे कोई सिट्रन वाटर होता है जो कि चीक्स को इनफ्लेम कर दे, रेड कर दे, तो और चेंज कॉम्प्लेक्शन एंड लूजिंग गेम, या फिर जो है इफ मतलब मैं जो हूँ मतलब सक्सीड हो जाऊं किसी तरह कि मैं एक खूबसूरत लड़की के फेस को चेंज कर दूं, उसके मैटरन चीक्स जो है वो इनफ्लेम हो जाए और उसका कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाए एट लूसिंग गेम, जब उसका यानी कि वो पेल हो जाए वो लड़की। एंड इफ एवर विद एरी हॉर्न्स आई प्लांटेड हेड्स, और एरी हॉर्न्स यानी कि ड्यू रीजंस आई प्लांटेड हेड्स, एरी हॉर्न्स बेसिकली यहाँ पे डाउट्स को भी कहा जा रहा है। और वो कहता है इफ एवर विद एरी हॉर्न्स, इफ एवर विदाउट एनी रीजन आई प्लांटेड हेड्स, मैं मुझे मौका मिला ना कि मैं डाउट्स क्रिएट कर दूं और रंपल्ड पेटीकोट्स और ट्रबल ट्रम्पर्ड बेड्स, ठीक है, और मैं जो हूँ उनके पेटीकोट्स पे धब्बा लगा दूं, या टम्पर्ड बेड्स, या फिर उनके बेड्स टॉस हों और कॉज सस्पिशन व्हेन नो सोल वाज रूल्ड, और उनके दिमागों में जो है सस्पिशन क्रिएट कर दूं जब कोई सोल जो है वो रूड ना हो, यानी कि कोई लड़े ना, ये कैसे हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना फसादी होते हैं, ये एक्चुअली फसादी नोम है, वो चाह रहा है कि किसी तरह लड़ाई हो, वो चाह रहा है कि इंसान परेशान हो जाए, और डिसकम्पोज द हेड ड्रेस ऑफ अ प्रूड, या डिसकम्पोज कर दूं हेड ड्रेस एक प्रूड का। प्रूड कहते समबडी इजिली शॉक्ड बाय सेक्स, ठीक है, तो वो कहता है मैं डिसकम्पोज कर दूं, अपसेट कर दूं द हेड ड्रेस ऑफ अ प्रूड, और एवर टू कॉस्टिव लैब डॉग गेव डिजीज, और एक कॉस्टिव लैब डॉग को मैं जो हूँ डिजीज दे दूं, यानी कि बस वो चाहता है किसी तरह दुनिया में परेशानी आ जाए। विच नॉट द टीयर्स ऑफ ब्राइटेस्ट आई कुड ईज, जो कि ना के ब्राइटेस्ट आई, नॉट द टीयर्स ऑफ ब्राइटेस्ट आई कुड ईज, जो कि किसी तरह उनको वो टीयर्स दे दूं जो कि ब्राइटेस्ट आई को जो आराम बख्शते हों, उनकी ईज आईज को मैं किसी तरह टीयर्स दे दूं। हेयर मी, मेरी बात सुनो, एंड टच बलिदा विद चैग्रिन। अब वो जो हेयर मी कौन कहता है, गॉडेस ऑफ स्प्लीन उसको कहती है, भाई मेरी बात सुनो, ठीक है, हेयर मी, तो वो कहती है ओ गॉडेस, सॉरी ये गॉडेस ऑफ स्प्लीन से ये कहता है, नो हेयर मी, देखो मेरी बात सुनो, ओ गॉडेस स्प्लीन गिव मी, टच बलिंडा विद शैग्रिन, शैग्रिन कहते हैं इल ह्यूमर, दैट सिंगल एग गिव हाफ द वर्ड्स ऑफ स्प्लीन, के ये जो है वो कहता है कि ओ गॉडेस स्प्लीन गिव मी द स्ट्रेंथ एंड योर ब्लेसिंग टू बी एबल टू इन्फ्लिक्ट बलिंडा विद इल ह्यूमर, कि किसी तरीके से मुझे कोई वो पार दो कि मैं उस बलिंडा को किसी तरीके से, जो कि बड़ी खुश खुश है, अभी तक वो चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है दो बंदों में लड़ाई करवाने का, तो एक्चुअली ये नोम भी वही खातून है जो कि लड़ाइयाँ करवाती है ना, तो वो यहाँ पे कहते टू एबल टू इन्फ्लिक्ट बलिंडा विद इल ह्यूमर शैग्रिन एंड मेलनकली, शैग्रिन कहते हैं मेलनकली को, इल ह्यूमर को, दिस दैट एक्ट सिंगल एड गिव ऑफ द वर्ल्ड द स्प्लीन, स्प्लीन हार्ट बर्निंग को भी कहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं बाय मेकिंग बेलिंडा मेलनकोलिक यू विल बी मेकिंग ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड दैट इज नंबरस्ट एडमायरर्स ऑफ बेलिंडास मेलनकोलिक. ठीक है, तो कहते तुम जो है आधी दुनिया को वो स्प्लीन दे दोगे अगर वो रो पड़ी ना, तो आधी दुनिया जो है मेलनकोली में पड़ जाएगी, यानी कि किसी तरह उसको गम दे दो ताकि सारी दुनिया जो है ना, आधी दुनिया वो गम में पड़ जाए. द गॉडेस विद द डिस्कंटेंट ईयर सीम टू रिजेक्ट हिम. ठीक है, गॉडेस यानी कि द गॉडेस ऑफ स्प्लीन अपीयर्स टू हैव बिकम इरिटेटेड. ठीक है, उसको पहले तो लगा इरिटेट हो गई, सीम्स टू रिजेक्ट हिम, जैसे वो उसको रिजेक्ट कर देगी. दो शी ग्रांट हिज प्रेयर्स, लेकिन वो उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट करती है. अ वंडरस बैग विद बोथ हर हैंड्स, एक उसके हाथ में वंडरस बैग होता है, अपने दोनों हाथों से शी बाइंड्स जो कि उसने पकड़ा होता है, लाइक दैट वेयर वन यूलाइसिस हेल्ड द वाइंड्स, जैसे उसने कैसे पकड़ा होता है, टेक्स होल्ड ऑफ द बैग वंडर एंड मिरेकल विद बोथ हर हैंड, अ बैग विच इज सिमिलर टू द वन विच यूलाइसिस हैड इम्प्रिजन्ड ऑल वाइंड्स, जिसके अंदर यूलाइसिस ने तमाम वाइंड्स जो है वो इम्प्रिजन की होती है. देयर शी कलेक्ट्स द फोर्स ऑफ फीमेल लंग्स, उसके अंदर जो है ना उसने सारी फोर्स ऑफ फीमेल लंग्स जो है वो इकट्ठी की होती है, क्योंकि औरत जब चीखती है ना तो पूरी दुनिया हिल के रह जाती है. साए सौ फैशंस एंड द वॉर ऑफ टंग, ये सारी जो फीमेल लंग्स उसके अंदर साइज हैं, सॉब्स हैं, पैशन हैं, हमारे अंदर होते हैं ना, जब गुस्सा आता है फिर हम अगली पिछली तो नहीं सब भूल जाते हैं ना. अ वाइल्ड नेक्स्ट शी फिल्स विद पेंटिंग फियर्स, और फिर क्या है, फिर वो उसको एक बॉटल देता है, देती है कि वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन उसको एक वाइल बॉटल देती है. नेक्स्ट शी फिल्स विद फेंटिंग टेयर, उसके अंदर क्या होते हैं, टेयर्स होते हैं, फेंटिंग टेयर्स. ठीक है, सॉफ्ट सॉरोज होती है, मेल्टिंग ग्रीव्स होते हैं, उसके अंदर फ्लोइंग टीयर्स होते हैं. द नॉम रिजॉइसिंग बेयर हर गिफ्ट अवे, वो बड़ा खुश होता है, वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीजें ली है, और वो भाग जाता है वहां से लेके, स्प्रेड्स हिज ब्लैक विंग्स, और अपने जो है वो ब्लैक विंग्स को स्प्रेड करता है स्लोली माउंट टू द डे, और वो डे की तरफ चलो, क्योंकि वो अंधेरे से अब उजाले की तरफ जा रहा है. Sunk in Thalestris arms, the nymph he found. अब जो है वो क्या है, sunk in Thalestris arm, जो कि nymph जो है, बेलिंडा जो है वो Thalestris के arms में डूबी हुई है, जो कि उसको मिलती है. Her eyes dejected and her hair unbound. उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ज्यादा dejected हैं, और उसके hairs जो हैं वो उसके बाल सारे खुल गए हैं, बिखर गए हैं. Full over their heads the swelling bag he read, और उसके सर के ऊपर जो है ना वो जो bags of sigh और sobs वो देती है ना, के वो spleen, goddess of spleen जो है वो उसके ऊपर उल्टा देता है, he rent उल्टा देता है. And all the furies issued at the wind, और जैसे ही वो उसके ऊपर उल्टाता है तो तमाम furies जो कि उस bag के अंदर होती हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर उल्टा दी जाती हैं. बेलिंडा बर्न्स विद मोर देन द मोर्टल, और बेलिंडा जो है इतनी बर्न होती है जितना कि एक आम इंसान नहीं होता. बर्न मोर्टल आयर एंड फायर Thalestris फैंस द राइजिंग फायर, और फिर वो जो फायर Thalestris है वो उस जलती पे तेल का काम करती है. ओ रेज मेड, और वो फिर बोलती है Thalestris जो है बेलिंडा को कहती है, ओ रेज मेड शी स्प्रेड हर हैंड एंड क्राइड, वो अपने स्प्रेड करती है अपने हाथों को और वो चीखती है. When Hampton's echoes wretch maid replied, जब Hampton जो है वो echo कर रहा होता है चीखों से, wretch maid replied, wretch maid जो है वो reply, यानी कि wretch maid किसको कहा जा रहा है, बेलिंडा को कहा जा रहा है. Was it for this you took such constant care? वो कहती है Thalestris कहती है बेलिंडा को कि ये जो तुमने इस वजह से इतनी केयर के साथ अपनी लटें संवारी थी. द बॉडकिन कॉम एसेंस टू प्रिपेयर, जिसके ऊपर तुमने बॉडकिन भी लगाया था, कॉम भी किया था, और उसके ऊपर एसेंस परफ्यूम भी डाला था. फॉर दिस योर लॉक्स इन पेपर ड्यूरेंस बाउंड, और इस वजह से तुमने अपने लॉक्स को पेपर ड्यूरेंस यानी कि इस वजह से कर्ल किया था, पेपर के साथ पुराने जमाने में कर्ल किया जाता था ना. फॉर दिस विद टॉर्चरिंग आयरन रेथेड अराउंड, और ये इस वजह से टॉर्चरिंग आयरन है यानी कि कर्ल्स जो तुमने टॉर्चिंग आयरन, इसलिए भी तुम्हारी कर्ल्स ने बर्दाश्त किया, लटों ने बर्दाश्त किया जो कि तुम्हारे रेथेड अराउंड जो कि तुम्हारे इर्द गिर्द थी. फॉर दिस विद फिलेट्स स्ट्रेन योर टेंडर हेड, और इस वजह से ये फिलेट्स जो है तुम्हारे टेंडर हेड पे लटकी हुई थी. ये सारी बातें किसको कहा जा रहा है, फिलेट स्ट्रेन, और ये सारी इसकी लटों की बात हो रही है. एंड ब्रेवली बोर द डबल लोड ऑफ लेड, और इस वजह से तुमने डबल लोड ऑफ लेड जो है अपने सर पे लादा हुआ था. गॉड शेल द रैविशर डिस्प्ले योर हेयर, गॉड वो कहता ओ गॉड
ये जो रेविशर है, शेल द रेविशर डिस्प्ले योर हेयर, काश के वो रेविशर यानी कि बैरन जो है वो डिस्प्ले करे तुम्हारा हेयर, वाइल द फॉब्स एंड वायर, जब वो कहते देखो जब वो जो रेविशर है यानी कि बैरन है वो जब तुम्हारे हेयर्स को डिस्प्ले करेगा, और वाइल द फॉब्स एंड वायर, तो फॉब्स जो है बाकी लड़के जो हैं उससे हसद करेंगे, एंड लेडीज स्टेयर, और वो तुम्हारी लटों को उसके हाथ में देखेंगे, ऑनर फॉरवर्ड, तो तुम्हारा तो तमाम ऑनर चला जाएगा. At whose unrivaled shine is pleasure, virtue, all our sex resign. और वो कहती है honor forbid. At whose unrivaled shrine? ठीक है, कौन सा ये unrivaled shrine है? Is pleasure, virtue, all our sex resign. ये तो तमाम चीजें जो है हमारी female sex ने resign कर दी हैं. फिर मतलब हमारे लिए ये इंतहा की एक अना का मसला है. That is the हमारी ईगो का मसला हो गया, हमारे मतलब हमारे ऑनर जो है इसके ऊपर ये बहुत बड़ा धब्बा है कि तुम्हारी लट किसी और के हाथ में हो. ऑलरेडी सी यू आर डिग्रेडेड टोस्ट. अब मैं ऑलरेडी तुम्हें देख चुकी हूँ कि तुम आज एक डिग्रेडेड टोस्ट बन के रह चुकी हूँ. एंड ऑल योर ऑनर इन अ विस्पर लॉस्ट. और तुम्हारा तमाम तुम्हारी इज्जत जो है वो खाक में मिल गई है, यानी कि इन अ विस्पर लॉस्ट. एक मतलब तुम्हारा ऑनर जो है वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो गया. हाउ शैल आई देन योर हेल्पलेस फेम डिफेंड. कैसे मैं तुम्हारी इस हेल्पलेस फेम को डिफेंड करूं? ठीक है, कैसे मैं तुम्हारी इस फेम को, इस शोहरत को डिफेंड करूं जो कि हेल्पलेस है, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती. इट विल, टी विल लिखा हुआ ना, इसको इट विल बोले. ठीक है, इट विल देन बी इन फैमी टू सी योर फ्रेंड. अब ये जो है मेरे लिए इन फैमी है, मेरे लिए अब ये मेरी बेइज्जती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड रहूंगी. ठीक है, क्योंकि अब तुम यानी कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि इंसान के ऊपर जब बुरा हाल होता है तो कोई भी उसका साथ नहीं देता. एंड शेल दिस प्राइज, द इनएस्टिमेबल प्राइज, और ये जो प्राइज जो कि इनएस्टिमेबल प्राइज है, उस एक्सपोज थ्रू क्रिस्टल टू द गेज आइज, गेजिंग आइज, और ये जो प्राइज है यानी कि जो तुम्हारी लॉक है, जो इनएस्टिमेबल प्राइज है जो कि एक्सपोज हो गया है क्रिस्टल टू गेजिंग आइज, हर इंसान के सामने जो है अब ये एक्सपोज हो गया है. एंड हाइटन बाय द डायमंड सर्कलिंग रेज, और ये हाइटन हो गया यानी कि तुम्हारी इतनी मशहूरी हो गई है, तुम इतनी बदनाम हो चुकी हो कि सर्कलिंग रेज हाइटन बाय द डायमंड सर्कलिंग रेज. ठीक है, ये जो है इस तरीके से वो सर्कलिंग रेज की तरह जो है वो एक्सपोज हो गया है. ऑन द रेपेशियस हैंड फॉर एवर ब्लेज, रेपेशियस हैंड बैरन के हैंड्स की बात हो रही है, फॉर एवर ब्लेज, वो उसके रेपेशियस हैंड में तुम्हारी जो लटें हैं वो हमेशा चमकती रहेंगी. तो सूनर शेल ग्रास इन हाइड बार सर्कस ग्रो, और जल्द ही वो जो है हाइड बार सर्कस में तुम्हारी ये लटें दिखाई जाएंगी. एंड विच टेक लॉजिक्स इन द साउंड ऑफ बो, और वहां पे साउंड ऑफ बो भी एक्चुअली एक जो है इंग्लैंड के मेन किसी पार्क को कहा जा रहा है. वो कह रहा है कि वहां पे या तो सर्कस हाइड पार्क सर्कस में जो है इसको दिखाया जाएगा, या फिर साउंड ऑफ बो जो है वहां के लॉजिंग्स में इसकी आवाजें सुनाई देंगी. सूनर लेट द अर्थ एयर सी टू क्योर्स फॉल, और वो कहती है कि काश के अर्थ एयर और सी जो है इस पे तूफान आ जाए, मैन मंकीज लैब डॉग्स पैरट पैरिश ऑल, और ये सारा का सारा कुछ तबाह हो जाए, यानी कि अब बद्दुआएं देने लग गई है. शी सेड देन रेजिंग टू सर प्ल्यूम रिपेयर्स, ठीक है, जैसे ही वो कहती है फिर देन रेजिंग टू सर प्ल्यूम रिपेयर्स, तो सर प्ल्यूम जो है वो जो है वो फिर रेज करते हैं. बिड हर ब्यू डिमांड द प्रीशियस एयर, और वो जो है रेज करती है सर फ्लूम के ऊपर, और उनको कहती है कि वो प्रीशियस हेयर जो है उसको वापस किया जाए. ठीक, अच्छा जी.